सो गाइस हम लोग आ चुके एक नए फूड ब्लॉग के साथ और बहुत ही धमाकेदार वीडियो के साथ भाई, क्योंकि आज जो हम लोग ब्लॉग बनाने आए हैं भाई, जहां पर आए हैं बहुत ही तगड़ा रेस्टोरेंट है, बहुत ही तगड़ा होटल है, रीगल प्लाजा बजाज का शोरूम हमारा, ठीक है, एकदम बजाज के शोरूम के जस्ट बगल में हमारा लोटस, लोटस का रेस्टोरेंट है, इनका खुद का होटल भी है, प्रॉपर रिव्यू के साथ में, प्रॉपर फूड कैसा है, कौन सा बेस्ट पार्ट लग रहा मुझे, एपेटाइजर कैसा है, मेन कोर्स कैसा है, उसके साथ साथ मॉकटेल भी टेस्ट करेंगे और सब कुछ बताएंगे आपको। अगर आपको मेन्यू कार्ड देखना है, मेन्यू प्लान करना है, अगर आपका बर्थडे आ रहा है, कुछ भी करना है, तो मेन्यू कार्ड का पीडीएफ भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ रेस्टोरेंट का पूरा एम्बियंस भी बहुत ही खतरनाक है, उसके फोटोज भी आपको शेयर कर दूंगा। तो चलो चलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। तो गाइज अभी मैं बैठा हूँ केविन रेस्टोरेंट के अंदर। आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट करते हो कि भाई आसनसोल में केविन रेस्टोरेंट कहाँ पे है, तो भाई हमारा लोटस जो कि एक प्योर वेज रेस्टोरेंट है और साथ ही साथ लोटस नाम से और साथ ही साथ एम्बियंस में भी देखने को मिल सकता है, और जो सोफा से लेकर हर एक चीज बहुत कंफर्टेबल है, सिटिंग अरेंजमेंट भी इनका 42 का है, और कोई भी इवेंट इन लोग मतलब पहले भी प्रीवियसली इन लोगों ने 100+ का इन्होंने इवेंट करा रखा है, तो आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है। सो गाइज हमारा एपेटाइजर आ चुका है और यहाँ पे देख सकते हो कितना कुछ है भाई। हमारा दिलरुबा सीख कबाब है जिसका भाई बहुत ही यूनिक प्लेटिंग आइटम है, मतलब ये आप प्लेटिंग एक तरह से बेलन में दे दिया है, बहुत ही यूनिक लगा मुझे। उसके बाद हमारा जो कबाब प्लेटर है ये आया है और साथ ही साथ ग्रिल पनीर विथ मोजो सॉस, ठीक है। कबाब प्लेटर में कौन कौन से आइटम है ये मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेकआउट कर सकते हो और उसका प्राइस देख सकते हो मेन्यू कार्ड में। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो इसको जैसे मैंने इसको पंच किया उसी से समझ में आ गया कि बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी होने वाला है, ठीक है। अंदर सॉफ्टनेस लगा मुझे और बाहर थोड़ा देख के क्रिस्पी लग रहा है। चलिए ट्राई करते हैं। अंदर से पालक पनीर का फ्लेवर आ रहा है, बाहर से पूरा क्रिस्पी है, खतरनाक टेस्ट आ रहा है भाई। पनीर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। ये हमारा अफगानी रोल है, देख सकते हो कितना ज्यादा सॉफ्ट है। अगर मैं इसको ऐसे करूं, ये देखो बहुत ही क्रीम से निकल गया, और ये देखो इसकी फीलिंग भी है भाई साहब। ये हमारा सेफ स्पेशल है, तो ये टेस्ट करना बनता है भाई। मुंह में जाते ही भाई घुल गया, जो इसका टेस्ट है भाई खतरनाक टेस्ट है। इसको भी मैं कंप्लीट करूंगा, मोटा से बच गया तो इसको भी। ये हमें पनीर टिक्का लग रहा है, ठीक है, प्रॉपर नेम आपको मैं बता ही दूंगा, मेन्यू कार्ड में रहेगा, इसे टेस्ट करते हैं। पनीर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, प्रॉपरली इसको मैरिनेट किया गया है, हल्का इसको ग्रिल किया गया है, हल्का सा इसको स्मोकी टेक्सचर दिया गया है, स्मोकी फ्लेवर दिया गया। ब्रिलियंट आइडिया भाई, ब्रिलियंट आइडिया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये शायद हरा भरा कबाब है, देख सकते हो इसका मैरिनेशन बोलो या इसका ऊपर का ग्रेवी टाइप बोलो उसी से समझ में आ चुका है, ये ग्रीन कलर का कवरिंग से। टेस्ट वाइज तो भाई बहुत ही ज्यादा ऑसम है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो अफगानी है भाई, प्लेटर ही ये जो है ना, प्लेटर में आपका पेट भर जाएगा। और पनीर के साइज अच्छे खासे हैं, मतलब डिसेंट साइज का है। उसके बाद जब आप उसको टेस्ट कर रहे होगे तो पनीर आपके मुंह में घुल जाएगा। पनीर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है, मैरिनेटेड प्रॉपरली है, स्मोकी फ्लेवर भी आ रहा है। मेरे लिए तो भाई बहुत ही मज़ेदार एपेटाइजर है। सो गाइस प्लेटर खत्म हुआ कि नहीं हमारा, यहाँ पे देख सकते हो कोम्पा पनीर
भाई क्या ही गरम गरम यहाँ पे से स्मोक्स निकल रहे हैं, और भाई जो कैशियो नट्स है गार्निश बहुत ही तगड़ा है। प्लेटिंग का शेप व्हाइट कलर की प्लेटिंग में की गई है, प्लेट का शेप बहुत ही ज्यादा अच्छा है मैं बोलूंगा, प्लेटिंग वाइज बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देख सकते, चलिए ट्राई करते हैं इसको भाई। इसको भाई चिली वाला फ्लेवर मुझे लगता है, पनीर चिली टाइप का फ्लेवर आ रहा है इसमें से। देखो फ्लेवर वाइज तो मुझे लग रहा है ब्लैक बीन सॉस में इसको यूज किया गया है इसको बनाने के लिए। बाकी भाई अब शेफ जो है हाथ में उनका बहुत ही तगड़ा जादू है भाई। भाई मैं प्राइस देख रहा था, प्राइस भी बहुत ही मैं बोलूंगा अच्छा ही है यहाँ पे, ठीक है। मतलब जो जहाँ पे अगर आप वेज रेस्टोरेंट देख रहे हो इंडिया में, या इंडिया छोड़ो आप आसनसोल में पर्टिकुलरली देख रहे हो, कॉम्पिटेटिवली बहुत ही कॉम्पिटेटिव प्राइस है। मतलब उनसे हल्का सा कमी है, नेम मेंशन नहीं करूंगा, है लेकिन कम। तो आप आके एक बार चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पे सीख कबाब देख सकते हो, सीख कबाब भाई बहुत ही अच्छा शेप दिया गया है, गार्निश बहुत ही तगड़ा किया गया है। लेकिन गार्निश हमसे थोड़ा सा गिर गया था सिनेमैटिक्स के दौरान, तो आपको इस तरीके से हमने बस रख के दे दिया है। तो हम लोग चलो ट्राई करते हैं इसको। फ्लेवर्स कोई सिमिलर फ्लेवर्स नहीं है, सारे आइटम्स का अपना यूनिक फ्लेवर है। सीख कबाब में एक ग्रेनी पार्टिकल टाइप का जो आपको टेक्सचर दे रहा है बहुत ही ज्यादा ऑसम है। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रिल पनीर, नाम से समझ में आ जाता है कि भाई पनीर को ग्रिल किया गया विथ मोजो सॉस। अब ये जो मोजो सॉस है ये थोड़ा सा एक यूनिक चीज है, बहुत ही ज्यादा यूनिक टेस्ट है भाई। टैंगी टाइप का थोड़ा सा फ्लेवर आ रहा है, लेकिन ये कैसा फ्लेवर है अब मतलब शेफ का स्पेशल है। और ये फ्लेवर जो है, ये जो इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज्यादा यूनिक है भाई। मतलब मैंने शायद इसे कहीं टेस्ट किया है नहीं किया है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है भाई। लेकिन तो चलिए मैं इंतजार नहीं कर सकता हूँ, ग्रिल पनीर है तो प्रॉपरली इनका टेक्सचर हुआ है। अब देखो अगर पनीर को आप ग्रिल करते हो ना, तो पनीर क्या है ना कि ग्रिल में चिपक जाता है, तो पनीर को ग्रिल करना भी अपने में एक खूबी है, कला है। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। ऐसा मतलब एक मुझे मलाई का टेस्ट दे रहा है, इसका जो मोजो सॉस है इसका अपना फ्लेवर अलग टेस्ट है इसका, फिर पनीर है उसका ग्रिल फ्लेवर अलग से आ रहा है। मुझे तो लगता है भाई एपेटाइजर और साथ ही साथ वेज रेस्टोरेंट बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है लोटस रेस्टोरेंट, तो मुझे लगता है आपको आना चाहिए, क्योंकि मुझे तो मेरा भाई माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस मुझे अभी तक मिला है। अब चलते हैं हम लोग मेन कोर्स में। सो हे गाइस, हम लोग आ चुके हैं मेन कोर्स के साथ, और मेन कोर्स में आप देख सकते हो बहुत कुछ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कश्मीरी पुलाव है, कश्मीरी पुलाव भाई जैसे कि आपको पता है कश्मीर एक लैंड ऑफ फ्लेवर्स है, और उसी तरीके से हमारा जो कश्मीरी पुलाव है यहाँ पे भी कई सारे ऐसे हमारे आइटम्स है, इंग्रेडिएंट्स दिख रहे हैं, और साथ साथ कलर वाइज भी ये मतलब आप समझ लो ये डिश ऑफ फ्लेवर्स और कलर्स, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे ब्रेड बास्केट है, ब्रेड बास्केट में हमने लिया है, देखो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, हमने यहाँ मिक्स करके लिया है कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा आइटम्स दिखा पाएं, ठीक है। तो हमारा जैसे कि तंदूरी रोटी है, हमारा मसाला कुलचा है, नान है, और भी कई सारे आइटम्स हैं, ठीक है। चार आइटम्स है जो कि हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन में बता देंगे, दाल फ्राई है, और साथ ही साथ यहाँ पे आप ये देख सकते हो वेज शाम सवेरा है। तो भाई इसमें ये देखो ये जो प्लेटिंग्स है यहाँ पे, ये भी देखो आप, ये इवन नहीं है, मतलब ये देखने में एक अच्छा लुक देता है, ठीक है, सिंपल सा समझो। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले पुलाव के साथ में, कश्मीरी पुलाव के साथ में। तो ये देख सकते हो फुल ऑफ कलर्स है भाई, प्रॉपर बासमती चावल हुआ, खड़े मसाले यूज किया गया है, कलर वाइज आप देख लो कलर भी मिक्स है, यहाँ पे येल्लो है, ऑरेंज है, और भी बहुत सारे पनीर है इसमें, आपको पीज है, प्रॉपर यहाँ पे फ्लेवर्स हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। आप टेस्ट वाइज मिलता है कि नहीं वो देखते हैं। दाल फ्राई है, दाल फ्राई के साथ टेस्ट करते हैं। दाल फ्राई भी देखो हमारा मतलब ये जो है तड़का अच्छे तरीके से लगाया गया है, और साथ ही साथ इसका थिक है ये दाल फ्राई। तो चलो इसे पहले टेस्ट करते हैं, गर्मा गर्म।
तो स्टार्ट इसी से करते हैं भाई। ऐसे तो हम अपोजिट कर रहे हैं, पहले माना जाता है कि हम लोग को जो हमारा रोटी होता है वो खाया जाए, उसके बाद फिर चावल को खाया जाए। लेकिन यहाँ उल्टा कर ले रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो हो ही, हमें समझ नहीं। पुलाव भाई आप बिना किसी चीज के भी खा सकते हो, ऐसा वो चीज है, बहुत ही खूबसूरत टेस्ट है। टेस्ट वाइज तो भाई मैं पूरे नंबर दूंगा, बहुत ही प्यारा टेस्ट है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास बहुत कुछ ऑप्शंस हैं, तो ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, तो चलो इसे लेते हैं, बहुत ही प्यारा टेस्ट है। अब चलो इसका देखते हैं। अब ये जो हमारा वेज शाम सवेरा है, ठीक है, ये प्रॉपर देखो तो पनीर है, और पनीर में स्टफिंग है, ये देख सकते हो बीच में उसकी स्टफिंग है। ग्रेवी बहुत ही कलरफुल और थिक है भाई, ग्रेवी में जो इसका फ्रेग्रेंस आ रहा है या जो इसका स्मेल आ रहा है, उससे समझ में आता है कि भाई ग्रेवी का जो आप समझ लो इसमें मसाले कई तरह के हैं, अभी पता चल जाएगा। यहाँ पे अगर बात करूँ तो देखो इसकी फीलिंग देख लो, बहुत ही थिक फीलिंग है, कंजूसी नहीं कही की गई है, ठीक है। चलो इसे हम लोग तोड़ते हैं पनीर के साथ। वाओ जस्ट ऑसम, ये देखो क्या अच्छी फीलिंग आई है, अच्छे से ग्रेवी लेते हैं। अब देखो जो भी वेजिटेरियंस हैं वो यहाँ एक लाइन से मेरे गुस्से होने वाले हैं, इसका टेस्ट भाई चिकन भुना मसाला जैसा है, मतलब जो लोग नॉनवेज लवर्स है ना उन लोगों को उसका टेस्ट पता है। और भाई ये जो गजब का स्वाद दे रहा है, जो मुंह में जाते हुए घुल रहा है, फुल ऑफ फ्लेवर्स, मजा आ गया भाई। मतलब वेज रेस्टोरेंट हमारे आसनसोल में ऐसे तो है, 3-4 हो चुके हैं, लेकिन एक रेस्टोरेंट है उसको टक्कर देने के लिए कोई एक बड़ा रेस्टोरेंट आ चुका है, और भाई प्राइस भी बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, तो मजा तो अब आएगा। और टेस्ट वाइज बस ये अगर मेंटेन रहे भाई, टेस्ट मेंटेन रहे, सब कुछ मेंटेन रहे, 2 महीने हो चुके हैं अभी, और ये सारा अगर मेंटेन रहे तो मुझे लगता है कि ये आसनसोल का बेस्ट वेज रेस्टोरेंट हो सकता है। নতুন খুলেছে, অ্যাম্বিয়েন্স তো অসাধারণ। আচ্ছা প্রাইস কি খুব বেশি? না না প্রাইস রিজনেবল প্রাইস আছে, যেরকম মার্কেটে আর বাকি রেস্টুরেন্টের প্রাইস আছে, মানে সবাই অ্যাফোর্ড করতে পারবে। হ্যাঁ হ্যাঁ আরাম। আচ্ছা আপনারা কি কি ট্রাই করলেন? আমরা পুরো বেঙ্গলি খাবার খেলাম, ভাত ডাল বেগুনি ঝুরি আলু ভাজা পটল দোরমা आपको भी पता है हमारे हिंदुस्तान में भाई डेजर्ट सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, ठीक है। अगर कुछ शुभ काम हो तो डेजर्ट, कुछ खराब काम हुआ तो भी डेजर्ट, ठीक है। तो अब हमारे पास देखो गाजर का हलवा, गाजर का हलवा भाई आप लोग नॉर्मली घर में भी बनाते हो, तो ये गाजर का हलवा विद रबड़ी है, ठीक है, इसका स्वीटनिंग एजेंट ही रबड़ी है, और इसे बेक किया गया है, मतलब हाँ भाई बेक करके इसे बनाया गया है। ये देख सकते हो ऊपर से आलमंड्स है, और ये जो आप देख रहे हो रोज पेटल्स है। प्लेटिंग वाइज बोलूँ तो मतलब व्हाइट कलर की बाउल है, लेकिन बाउल भी आपका जो है ना इवन सा नहीं है, ठीक है, तो एक अच्छा सा अपीयरेंस देता है। तो चलो इसे ट्राई करते हैं, और भाई खतरनाक एम्बियंस में, ये देखो भाई इसे हल्का सा जो हमारा रबड़ी है उसी के साथ लेते हैं, तो ये ज़्यादा बेस्ट हमें फ्लेवर्स देगा। ऊपर में से जो आलमंड्स है वो भी आया है। कम स्वीटनिंग है, कम मीठा है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ऐसा। ज्यादा मीठा थोड़ा सा होता है ना कि आपको पहला बाइट दूसरा बाइट अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद फिर मजा नहीं आता है। एम्बियंस वाइज देखो भाई बहुत ही मस्त है भाई, ये जगह भी जो टेबल में बैठोगे वो टेबल में आप अपने फूड को एंजॉय कर रहे होगे। आपको अगर केबिन चाहिए तो केबिन है, अगर आपको चाहिए कि थोड़ा सा गार्डन टाइप लुक हुआ या ग्लास साइड या आउटसाइड लुक चाहिए, ये जगह है। अगर आप ग्रुप में आते हो, अच्छा खासा ग्रुप में आते हो, तो फिर ये जगह है। अगर आप कपल वाइज आते हो, कपल मतलब आप अपने किसी पार्टनर के साथ आते हो, ये जगह है। तो मतलब सोच समझ के बनाया गया, और प्राइस भी भाई बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है, बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल है, बाकी जगह से कंपेरेटिवली कम ही है, और इसे मैं इंजॉय करता हूँ, और फिर आपको मिलता हूँ लस्सी के साथ में।
सो गाइस ये है हमारा रॉयल लस्सी भाई पूरा लपलपा रहा है और भाई क्या गार्निश किया गया है, आलमंड्स के साथ गार्निश किया गया, हल्का सा केसरी मतलब कलर दिया गया है, मतलब है, मतलब इसमें हो सकता है कि केसर का आपको दिया गया हो जिससे ये हल्का सा येलोइश हुआ और ऊपर से हमारा जो भी सिल्वर फिल्म है वो भी है। अब चलिए टेस्ट करते हैं कि टेस्ट वाइज कैसा है। आइस क्यूब्स भी है, टेस्ट वाइज तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है भाई। जब मैंने नाम सुना था ना मुझे लगा था इतना बड़ा कुछ लस्सी का ग्लास आ जाएगा उसे बोला जाएगा खत्म करो, लेकिन ये बेस्ट थिंग है जिससे आप एंड कर सकते हो ये वीडियो को और अपना जो भी आपका लंच है या डिनर है, मतलब बहुत ही प्यारा है भाई। मुझे तो डेजर्ट वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे मॉकटेल चाहिए ना डेजर्ट चाहिए। इसके अंदर भी बहुत कुछ है, आलमंड्स है, ड्राई फ्रूट्स है, बहुत कुछ है भाई, बेस्ट लगा मुझे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो भाई प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको बहुत सारा कंटेंट चाहिए आसनसोल रिलेटेड तो मिलते हैं एक नए दिन नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।